और उन्होंने जो मुझे कहा कि इस तरीके से मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने इस तरीके से बात नहीं की, उन्होंने परमिशन दिया हुआ है जो कहा था किसी भी हालत में TRS से समझौता कांग्रेस पार्टी का ही होगा। वही बात सत्ता में तेलंगाना में आ रही है, इसलिए कुछ लोग उसको और हवा देने को तूल देने का कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जैसी पार्टी उसको तूल दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरी है, उस तरीके की यात्रा चल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो राहुल जी का संदेश है, वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से चल रही है। रेवंत रेड्डी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार सातवां दिन आज है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। और हमारे उत्तम कुमार जी जो MP है, वेंकट रेड्डी जी जो MP है, और CLP लीडर जो भट्टी जी है, उन्होंने जो 28 तारीख 1 मार्च और 2 मार्च को वो यात्रा वो भी शुरू कर रहे हैं पूरे तेलंगाना में। बड़ी अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर, सब लीडर्स एक साथ होकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उमर रेड्डी ने 28 तारीख को उन्होंने फरवरी को यात्रा शुरू करने के बारे में उन्होंने कहा है, उसके बाद उत्तम कुमार जी की होंगी, उसके बाद नकली जी की होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है जो फैलाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे जो राहुल जी ने जो वेंगल ने कहा था, किसी भी हालत में हम TRS के साथ नहीं बैठेंगे, अलायंस के साथ पहले या बाद में नहीं होगा, ये राहुल जी ने प्रस्तुत किया है। उसी आधार पर वेंकट रेड्डी जी ने भी कहा है कि राहुल जी ने जो कहा वो हमारी पार्टी की लाइन है, उसी के ऊपर हम चलेंगे और मेजॉरिटी हम लाएंगे, सभी काम में लगे हैं, सब नेता एक साथ कर रहे हैं। देखिए इसमें जो भी